भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, करीबन 2 बीघे को मैंने सरसों लगाई थी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि सरसों की फसल से आप अच्छा तगड़ा मुनाफा कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, करीबन 2 बीघे को है, और इसमें मैंने सोचा था कि मैं अब की बार इसमें सरसों की फसल उगाऊं ताकि मुझे मुनाफा अच्छा हो। और इस मुनाफे में कैसे कैसे क्या होता है, मतलब कैसे सरसों की फसल उगाई जाती है, आज सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई सरसों का बीज ले लेना है, कोई सी भी कंपनी का, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आप इसको जब बो दोगे तो सबसे बड़ी बात ये रहती है किसानों के अंदर, जो हमारे किसान भाई है, कि भाई पहला पानी इनमें कब देना चाहिए। तो मैं बता दूं कि पहला पानी आपको 25 से 30 दिन के बीच पहला पानी सरसों में आ जाना चाहिए पहला, और इसके बाद आप इसको दूसरा तीसरा 2-3 पानी इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें आप खाद पानी, जो गोबर का खाद होता ज्यादातर वो घेरे इसमें, और जो दवाई आती है मतलब वो छिड़काव करे, ताकि हमारी इसमें जो भी होती है कीड़े मतलब वो ना लगे, हमारी फसल को खराब ना करे इसको। और जैसे हमारी फसल हो जब तैयार हो जाएगी, देखिए इसको 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में करीबन ये 4-4 फुट की हो गई है, तो अब ये थोड़े दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आपको अच्छा तगड़ा मुनाफा करना है तो आप सरसों की फसल लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आशा करूंगा कि आप कुछ समझे होंगे मेरी बात। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।